उधर कराची में दर्जियों ने दुकानों पर बुकिंग फुल के बोर्ड्स लगा दिए। शहरियों ने रेडीमेड गारमेंट्स की खरीदारी के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया, जहां वो महंगे दामों खरीदारी करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे रिजा फातिमा से। दर्जियों के नखरे बढ़ गए, ईद उल फितर के लिए नए कपड़ों की सिलाई मुश्किल हो गई। दर्जी कहते हैं वो लोड शेडिंग से परेशान हैं, इसीलिए सिलाई के लिए मजीद बुकिंग मुमकिन नहीं। भाई बुकिंग उस तरह से करते हैं जो टाइम पे पूरी भी हो सके। ज्यादा बुकिंग ले लें काम खराब हो जाए, लेडीज से कोई झगड़ा वगैरह हो, उससे अच्छी बात है कि बंदा पहले ही वो कर दे, बुकिंग कम बंद कर दे। ईद के लिए नित नए डिजाइन के मलबूसात सिलवाने की ख्वाहिशमंद खवातीन बुकिंग बंद होने और दर्जियों की तरफ से मनमानी कीमतें वसूल करने से परेशान हैं। तमाम दर्जियों के पास बहुत रश होता है, ठीक है, और फिर वो जल्दबाजी में जो हम चाहते हैं वैसा हमें ड्रेसअप बना के नहीं देते हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम ईद से पहले जो है वो सस्ते में भी और अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिले, तो हम लोग रेडीमेड को प्रेफर करते हैं। अभी तो वैसे भी बहुत लेट हो गया है ना, तो इससे रेडीमेड। ईद की तैयारियों में तेजी आ रही है, जिससे बाजारों में रौनकें बढ़ने लग गईं। दर्जियों ने बुकिंग फुल के बैनर्स की आवेजा किए, दूसरी जानिब दिलकश रेडीमेड सूट गाहकों की तवज्जो का मरकज बन गए। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।